नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद भले ही प्रशासन की तरफ से शुरू हो गई हो, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते किसान मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर दरी बिछाकर पंचायत करने लग गए हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें बिना मैसेज के गेट पास दिए जाएं और उनकी फसल को खरीदा जाए। वहीं बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो कि गेहूं की खरीद को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मंडी में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि आज शनिवार को मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर किसान गेहूं की ट्रोली के साथ बड़ी संख्या में बैठ गए। इस दौरान किसानों ने पंचायत भी की। वहीं किसानों का कहना है कि किसानों की मांग है कि अगर उनकी फसल तैयार है तो किसी भी दिन मंडी में किसानों को आने दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको मैसेज चला गया है पर उनकी फसल तैयार नहीं है। वहीं जिनकी फसल कटकर तैयार है उन्हें मैसेज नहीं गया, साथ ही साथ खेत में गेहूं में आग लगने का डर भी बना रहता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी इस मांग को प्रशासन और सरकार को मानना पड़ेगा, वरना रोजाना प्रदर्शन किए जाएंगे। किसानों ने यह भी कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पर भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये समस्या आ रही है। ऐसे में किसानों की समस्या सरकार और प्रशासन को समझनी चाहिए, वरना मंडी अभी बिल्कुल खाली और आने वाले दिनों में मंडी में एकदम से ज्यादा संख्या में ट्रालियां पहुंचेंगी, जिससे व्यवस्था चरमरा जाएगी। और दूसरी बात, ये हमें पता लगा 6 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक गेट पास मिलेंगे। हमारे एरिया में गेहूं की कटाई 24 घंटे चलती है, हमें 24 घंटे मंडी के गेटों पे आदमी उपलब्ध चाहिए और 24 घंटे ही गेट पास मिलने चाहिए। और यदि बस तीसरी मांग सुन लो, हमारे कंप्यूटर में पता नहीं क्या बीमारी है, आधा टाइम खराब रहा है। जब कंप्यूटर खराब होंगे मैनुअल पर्ची पर हमें गेट पास कच्चा काट कर देना पड़ेगा, हमारा बंदे को वहां वेट नहीं करवानी, ना परेशान होने देंगे। और ये हमारी मुख्य मांगे है, और ना ही कोई नमी के नाम पे कट मंजूर है। 1975 का रेट है और 1975 का ही रेट लगेंगे। और ये हमारी मांगे है, ये बड़ी पंचायत में रिटर्न में आधिकारिक तौर पे, और ना ही कोई पंखा पुखा लगेगा, जो जैसे पहले सीजन चलता था वैसे चलेगा। ये हमारी मांगों की तसल्ली। हम तो कहते हैं डीसी साहब ही आए, वो हमारे से कोई, ये हमारी जनता से बड़ा अफसर नहीं है भाई, हमारे बीच में नहीं आ सकता। जब इस खरीद को लेकर इन्होंने पहले इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे घर तक नहीं हो सकती। अब कह रहे हैं डीसी उपलब्ध नहीं है। जो सरकार का एक दावा था भी 1 अप्रैल से खरीद चालू है, वो सारा ढकोसला साबित हुआ। कल करनाल मंडी में पहली ट्राली आई थी जो इन्होंने गेट पे रोक दी। सेक्रेटरी साहब बोले अपने घर वापस लेके जा, हम आपको SMS देंगे, चाहे किसी तारीख का दे, आपको उस दिन गेहूँ लेके आनी है। फिर उसके बाद हम कल पहुँचे और ट्राली सीधी यहाँ लेके आए, सेक्रेटरी साहब गेट पर आए नहीं, तो ये ट्राली हमने करनाल मार्केट कमेटी दफ्तर उतार दी। आज सारे भाइयों को बुलाया था, यहाँ पंचायत रखी थी। सीधी सी मांग हमारी स्पष्ट है, हमें एक तो गेट पे गेट पास चाहिए, 24 घंटे चाहिए, और कोई नमी का कट नहीं। हम अपनी फसल की बेकदरी नहीं होने देंगे बिना SMS के, बिना शेड्यूल सिस्टम के। हमें जब भी हमारी फसल पकेगी हम ट्रोली लेके गेट पे आएंगे, 24 घंटे में गेट पास चाहिए, ये हमारी मांग है। प्रशासन के आगे रख दी, प्रशासन अब अंदर मीटिंग कर रहा है, DC साहब से उनकी मीटिंग चल रही है, जो फैसला होगा ठीक है, नहीं तो हम कोई बड़ा फैसला और आधे घंटे बाद हमें कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा, हम वो जरूर लेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। ऐसा जी, हमारी जो गेहूं की फसल थी वो 6 महीने में हमने बहुत मुश्किल से तैयार की, अब ये कह रहे हैं कि ये आपको पंजीकरण के नाम पे। गेहूं एक ऐसी फसल है जिसका सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, तो अगर आप 50-50 दिन का शेड्यूल बना रहे हो कैसे चलेगा जी। मेरी आज फसल पक के तैयार हो गई है, तो मैं उसको आज ही कटवाऊंगा, इसको तो रोक ही नहीं सकते। आप पहले देखो कितनी आग की घटनाएं होती हैं, आजकल तो ये बारूद है, और ये कहते हैं कि आपको जैसे ही मैसेज आएगा उस मैसेज के हिसाब से लेके आओ। ये सरकार की एक तानाशाही है, गेहूं की फसल को हम खेत में खड़ा नहीं कर सकते, और अगर हम कटवा के घर में रखते हैं तो हमारे पास उसके भंडारण की क्षमता नहीं है।
कहाँ हम उसको स्टोरेज करेंगे। तो सरकार को ये अपना हठ धर्मिता जो है वो छोड़ के किसानों की जो ये एसी कमरों के बीच में जो इनके अफसर बैठे हैं ना, ये उनकी नीति पे ना चलें, प्रैक्टिकली देखें कि किसान के साथ क्या हो रहा है। तो हम कहते हैं भी सिर्फ बिना शेड्यूल के जैसे पहले काम चल रहा था इतने सालों से, वैसे ही चलना चाहिए, वैसे ही खरीद होनी चाहिए। हाँ जी, अगली रणनीति तो हमने तो अभी भी कह दिया, आधे घंटे का टाइम नहीं तो हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी तैयार हैं, करड़ा फैसला लेवेंगे, बस आधा घंटा कह दिया, बस आधे घंटे में आर पार कर देंगे। सुखविंदर सिंह चब्बर, असंद। ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है जो कि खट्टर सरकार और मोदी सरकार जो किसान को बर्बाद करने के परने पे तुली है, मंडी बोर्ड को ख़त्म करने पे तुली हुई है, क्योंकि इनको ये है अभी इनको परेशान करेंगे और ये अपना खेती छोड़ देंगे और आड़ती भी भाग जाएंगे मंडी से, और इनका रास्ता साफ हो जाएगा, हमें अडानी अंबानी को देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसानों को बर्बाद करके ये उनके हाथ कॉरपोरेट के हाथों में सौंपना चाहते हैं जी, तो उस चक्कर में जो ये शेड्यूलिंग का, चलो पिछले साल तो ऐसा था अभी कोरोना का बहाना था, भी कोरोना के बहाने से भी कम लोग आए, भीड़ कम हो, इसलिए शेड्यूलिंग करी थी, और वो शेड्यूलिंग जो सी हमारे ऊपर अब धक्के से थोपी जा रही है। चलो पिछले साल तो हमें पता ही नहीं चला भी ये कोरोना है भी है या नहीं है, या वैसे ही बेवकूफ़ बनाया गया, तो इस साल तो ना कोई कोरोना है, कुछ नहीं है, शेड्यूलिंग बिना वजह से हमें अब हमारी फसल पकी हुई है और उसको हमने मंडी में लेके आना है, तो अब कितनी देर मैसेज का थोड़ा वेट करेंगे। इन्होंने 50 दिन का शेड्यूल बनाया, 50 दिन के मई तक फसल खरीदेंगे, और उसको मई तक कैसे रोकेंगे खेत के अंदर? ऐसा इनको तो ऐसे करना चाहिए, जो मान लो भी हमने रजिस्टर्ड करवा दी, मान लो हमने 400 क्विंटल रजिस्टर्ड करवा दी है, तो वो रजिस्टर जिस टाइम हम लेके आए उस टाइम हमें गेट पास मिलना चाहिए, उसी टाइम तुलनी चाहिए। ये नहीं है भी आप लेके आओ, आपको बोलने भी आप हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना, कहाँ रखेंगे? इतने बड़े फार्मर भी नहीं है जो अपना इतने बड़े गोडाउन हों जिसके अंदर, फिर अगर किसी के पास गोडाउन है भी है तो उसके पीछे भी अपना दोबारा लादने में, लोडिंग अनलोडिंग पे ऊपर लेबर लगती है, सारा कुछ होता है, आगे और भी काम है। अगली रणनीति जैसे अभी पंचायत का फैसला होगा, जो भी अगर अच्छे से मान जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर आगे जोन सा या जीटी रोड जाम करने का या जो भी होगा, फिर वो फैसला पंचायत लेगी जी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।